आइए आज जानते हैं मशहूर अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर के बारे में। उर्मिला ने हिंदी सिनेमा के अलावा मलयालम, मराठी, तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। उर्मिला मातोंडकर का जन्म 4 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम शिविंद्र सिंह है, जो एक प्राध्यापक थे। वहीं माता का नाम रुखसाना सुल्तान है, जो कि एक गृहिणी है। अभिनेत्री पूजा माथोंडकर उनकी बहन है। उर्मिला के बारे में ये भी अफवाह भी फैल चुकी है कि वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की भतीजी हैं, लेकिन उन्होंने इस बात का खंडन किया है। आइए जानते हैं उनकी शिक्षा के बारे में। मातोंडकर ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पुणे विश्वविद्यालय महाराष्ट्र से दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। बात करें उनकी शादी के बारे में, उर्मिला मातोंडकर ने 3 मार्च 2016 को एक सामान्य शादी समारोह में अपने कुछ नजदीकी रिश्तेदारों की मौजूदगी में खुद से 10 साल छोटे कश्मीर के रहने वाले मॉडल और व्यवसायी मोहसिन अख्तर मीर से शादी की है। उनके पति ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उर्मिला बौद्ध धर्म को मानती हैं। उन्होंने शादी के बाद न तो धर्म बदला है और न ही अपना नाम। उर्मिला और मोहसिन की पहली मुलाकात साल 2014 में फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की भतीजी की शादी में हुई थी। इससे पहले उनका नाम फिल्म निर्देशक रामगोपाल वर्मा के साथ भी जुड़ चुका है। आइए अब बात करते हैं उनके करियर के बारे में। 1980 में फिल्म कलयुग से बाल कलाकार के रूप में फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली मातोंडकर ने फिल्म नरसिम्हा में एक वयस्क अभिनेत्री के रूप में डेब्यू किया। रंगीला, जुदाई और सत्या जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के साथ उन्होंने खुद को मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। इन तीनों ही फिल्मों को फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। इसके बाद तो उन्होंने लोगों द्वारा पसंद की जाने वाली फिल्मों की एक लंबी श्रृंखला में काम किया। प्यार तूने क्या किया, भूत और एक हसीना थी जैसे बहुत सी फिल्मों में प्रमुख रूप से भूमिका निभाया है। फिल्म भूत में किए उनके अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड, जी सिने अवार्ड और स्टार स्क्रीन अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा वह 3 बार IIFA अवार्ड्स के लिए नामांकित भी हो चुकी हैं। मातोंडकर 27 मार्च 2019 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई और मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गई। 10 सितंबर 2019 को उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। फिर 1 दिसंबर 2020 को वह पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में शिवसेना में शामिल हुई। अब इस समय उर्मिला मातोंडकर अपने निजी लाइफ में बहुत ही खुश है। अपने पति और बच्चे के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है। आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही बॉलीवुड के कलाकारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें।